प्रेज लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज के दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो जाए और मगन हो जाए। परमेश्वर हम सभी को बहुत बहुत आशीष दे। पहला कुरिन्थियों का पत्र 13 अध्याय उसका 13 आया था, 1 Corinthians 13:13। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थाई हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। बाइबल कहते तीन बातें स्थाई है। ये 13 अध्याय पूरा प्रेम के बारे में लिखा है। पवित्र आत्मा के वरदानों में सबसे बड़ा वरदान प्रेम है। पवित्र आत्मा के फल में सबसे बड़ा फल प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और ये बाइबल एक प्रेम का पुस्तक है। बाइबल के सबसे महत्वपूर्ण वचन भी ऐसा बोलते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो जाए परंतु अनंत जीवन को पाए। तो उस परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। सारे सृष्टि के मालिक, सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आप कुछ भी चढ़ा नहीं सकता, कुछ भी दे नहीं सकता। बाइबल कहते विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। तो उस परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विश्वास चाहिए। तो उस परमेश्वर के प्रेम को हम प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर विश्वास चाहिए। और विश्वास करेगा तो उस परमेश्वर को स्वीकार करेगा तो हमारे जीवन में मिलने वाला सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर का प्रेम हमको मिल जाता है। परमेश्वर का प्रेम को हम पा सकते हैं। वो सबसे सौभाग्य बात है कि उस पिता का प्रेम को जो हम खो गया था, फिर से उस पिता के साथ मेल मिलाप करके उस पिता का प्रेम को पाने का अवसर हमको मिलता है। और इस पृथ्वी पर रहते रहते हमारे जीवन का सबसे बड़ी आशा यही है कि यीशु मसीह फिर से वापस आएगा, हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, हम सबको ले जाएगा। हमारा हमेशा का घर यहाँ पर नहीं है, स्वर्ग में है। तो ये तीन बातें, विश्वास, प्रेम और आशा, ये तीनों स्थाई है। इसमें सबसे बड़ा प्रेम है। ये तीनों बात हमारे जीवन में भरपूरी से, बहुताय से होने पाए, विश्वास, प्रेम और आशा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू। शलोम।